Hey everyone, welcome to my channel again. And आज की वीडियो में मैं आपको कुछ पांच टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, अपनी यूट्यूब की जर्नी ईजियर बना सकते हो. से आप चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, क्योंकि मैं बहुत बकबक करती हूँ तो. एंड मैं चाहती हूँ कि चलो जल्दी से हो जाए. एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं वो क्या पांच टिप्स है जिससे आप अपनी यूट्यूब की जर्नी, अपनी यूट्यूब की लाइफ को ईजियर बना सकते हो एंड अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो. सो यप, लेट्स गो टू द वीडियो. सो गाइस, हमारी जो फर्स्ट टिप है वो, उसमें आपको बस क्या करना है, आपको अपनी कोई प्रोफेशनल नहीं हो तो अपने गूगल अकाउंट से कोई नॉर्मल अपना, जैसे नॉर्मल यूट्यूबर्स करते हैं वैसे नहीं करना है कि अपना पहले अपना यूट्यूब चैनल के लिए अपना ये सब वो सब करना है. फर्स्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सबको पता है कि हमारा जो यूट्यूब है वहाँ पे यूट्यूब चैनल पहले से रहता है हमारा, लेकिन हमारा वीडियोस नहीं डाला जाता है. तो फर्स्ट आप एक वीडियो बनाओ कि आप यूट्यूब पे आए हो एंड अब से आपकी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट होगी. एंड उसके बाद आप उस अपने YouTube में फर्स्ट वीडियो डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका चैनल बन जाएगा. आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ की, तो ये बात ध्यान में रखिएगा. आपको एक नॉर्मली एक वीडियो बनाना है और उसके बाद उस वीडियो को डायरेक्टली YouTube पे अपलोड कर देना है. बहुत इजी है और आपको चैनल बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है. नॉर्मली मैंने एक वीडियो बनाया जो था, मेरा जो पहला वीडियो था यूट्यूब पर वो था हेलो किटी की हॉरर स्टोरी. एंड आई वॉज तो आपको अपने गूगल अकाउंट से कोई भी यू नो यूट्यूब चैनल खोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप अपना यूट्यूब या फिर अपना गूगल या फिर जीमेल अकाउंट बनाओगे ऑटोमेटिकली आपका एक यूट्यूब चैनल बन जाएगा. सो इट्स सो ईजी, तो आपको ज़रूरत नहीं है वैसे वैसे करने की. सो चलिए हमारा नेक्स्ट हैक देखते हैं कि क्या है. सो गाइस, नेक्स्ट हैक ये है कि नेक्स्ट टिप ये है कि जब आप अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करोगे, जब आप अपना पहला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करोगे, उसके लिए आप डायरेक्टली कोई कैमरा वैमरा मत ख़रीदना, क्योंकि आपको बस अपने फ़ोन की ज़रूरत है. फ़ोन से आप वीडियो शूट करके यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पहले पहले अभी यूट्यूब पर नहीं हो, अभी पहले पहले जल्दी जल्दी अभी आप यूट्यूबर बन के यूट्यूब पर आए हो एंड यप, तो इसलिए आपको पहले पहले कैमरा की ज़रूरत नहीं है. आप अपने फ़ोन से शूट करो. एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, सब्सक्राइबर्स मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड कर सकती हूँ. अगर आपके 5K सब्सक्राइबर्स हो गए यूट्यूब पे तभी आप एक कैमरा ख़रीदो, क्योंकि अगर आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है एंड आपने कैमरा ख़रीद के शूटिंग करना शुरू कर दिया तो कैमरा इज़ वेस्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल. तो या पहले आप फ़ोन से छोड़ें. एंड मेरे भी उतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं एंड आई होप कि जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, अभी तो मेरे एंड इसलिए मैं सब्सक्राइबर्स हाइड कर ही रखती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता सब्सक्राइबर्स शो करना. एंड जब मेरे एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे 5 और 10 के, तो मैं यूट्यूब के अपने चैनल के नीचे शो करूँगी, बट अभी के लिए नो. सो ये इजी है कि आप अपने फ़ोन से शूट करो एंड सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए तो आप कैमरा खरीद सकते हो. तो यप, ये तो चलिए हमारा थर्ड टिप देखते हैं क्या है. तो गाइस, हमारा जो थर्ड टिप है वो है ये कि जब भी आप एक वीडियो, जब भी आप अपने यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बनाओ तो क्या करो, आपको अगर बैकग्राउंड की ज़रूरत चाहिए ना गाइस, एंड बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड अफोर्ड नहीं कर पाते, जो बैकग्राउंड रहता है, एंड जैसे कि आप ये बैकग्राउंड देख रहे हो, ये एक नॉर्मल सा चादर है जो मैंने अपने दीवार पे लगाया है ताकि जो हम मेरा वीडियो बने उसमें ये बहुत ही अमेजिंग लगे. देख सकते हो मेरा नॉर्मल सा यू नो चादर एक ओढ़ने का. एंड उसके बाद आप एक नॉर्मल जगह पे जहाँ पे आप वीडियो शूट करते हो वहाँ पे आप जाके कोई से भी चादर को ऐसे सेलो टेप या फिर पेंसिल से सिक्योर करके आप अपने वीडियो शूट कर सकते हो. एंड ये बहुत ही ईजी मेथड है ताकि आप अपने वीडियो शूट कर सको एंड बैकग्राउंड अफोर्ड करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है. तो यप, तो चलिए देखते हैं हमारा फोर्थ हैक क्या है. तो गाइस, हमारा जो फोर्थ हैक है वो है ये. एंड गाइस, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग जो एडिटिंग शॉप्स होते हैं वहाँ पे जाके वो लोग एडिटर्स से एडिट नहीं कराते वीडियो,
वो लोग मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग एडिटिंग एडिटर्स से कराते हैं, एडिटिंग शॉप से कराते हैं, एंड उसमें 400-500 रुपये लग जाते हैं एक वीडियो के एडिटिंग के लिए। तो गाइस ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें आप। हमारे फ़ोन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो फ्री के होते हैं, एंड उसे यूज़ करके हम अपने वीडियोस को एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दो ऐप्स के ऑप्शन दे रही हूँ, पावर डायरेक्टर और काइन मास्टर ऐप। वो ये लोग ये ऐप ये जो एप्लीकेशन है ये दो सॉफ्टवेयर बहुत अमेजिंग है। या फिर आप वीटा ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वीटा ऐप वन ऑफ द बेस्ट ऐप है एडिटिंग के लिए। आप उस ऐप से आप तो गाइज सो गाइज आपको वीटा ऐप में बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। एंड आपको दो ऐप्स और मिलेंगे, पावर डायरेक्टर और काइंड मास्टर ऐप, वो भी बहुत अमेजिंग है, उसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं। एंड अगर मेरे से बस राय लिया जाए तो हम आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करेंगे, वो है पावर डायरेक्टर ऐप, क्योंकि वो भी बहुत अमेजिंग है एंड उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पावर डायरेक्टर का साइन भी मिल रहा होगा, आई होप कि मिल रहा हो। तो यप, एंड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे प्ले स्टोर पर डायरेक्टली जाके भी आप सर्च कर सकते हो पावर डायरेक्टर काइंड मास्टर और वीटा ऐप। सो यप, हमारे फिफ्थ बट नॉट द लीस्ट हैक पे पूप करते हैं। सो गाइस हमारा जो फिफ्थ हैक है वो भी बहुत इजी है। अगर आप कोई भी वीडियो बनाओ, एंड अगर आप वीडियो बना रहे हो तो कोई ऐसी जगह में बनाओ जहाँ पे बहुत कम आवाज़ें हों। जैसे कि अगर आपका कोई रूम है अपना ओन रूम, तो आप वहाँ पे बना सकते हो, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत शांति हो आप वहाँ पे जाके, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारी आवाज़ गौन जाती है आसपास के फैमिली मेम्बर्स की, तो आपका जो आवाज़ है, आपका जो वॉइस है, जो वॉइस आपका है, वो आपके फ़ोन तक नहीं जा पाएगा, आपकी वीडियो आपके आपके पास नहीं जा पाएगा, मतलब कि आपके फ़ोन तक नहीं जा पाएगा, उसके बाद बहुत क्रैकिंग नॉइजेज हो जाएंगे। सो यप, एंड दूसरी एंड ये मैं आपको मतलब कि अगर आप चाहो तो आप ये हैक यूज़ कर सकते हो, मतलब कि तो ये था 5 हैक्स जो यूज़ करके आप अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हो। एंड गाइस अगर आप चाहो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अगर मतलब कि आप वीडियो शूट कर रहे हो तो ध्यान में ये रखना कि अगर आप कमरे वमरे में शूट कर रहे हो, बाल ख़राब हो रहे हैं, तो आप अपने रूम का जो फ़ैन है वो ऑफ़ करके रहो। एंड ये सब सोच सकते हो बाल खुला है एंड मेरा जो फ़ैन है वो ऑफ है एंड बड़ी स्वेटिंग हो रही है, मुझे वीडियो बनाने के लिए इतना पसीना आ जाता है वीडियो बनाते बनाते बाल खुले बालों में, बट क्या कर सकते, खुले बाल अच्छे लगते हैं मुझे तो। एंड गाइस अगर आप चाहो तो आप अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करके भी आप वीडियो शूट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये वाली पिंक कलर की टॉप पहनी है, पिंक कलर का बैकग्राउंड भी है। तो एंड अगर आप चाहो तो आप अच्छे से ड्रेसअप होके भी वीडियो शूट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ड्रेसअप होके वीडियो शूट, तो ये बहुत ही अच्छा हैक है, टिप है कि आप इसे यूज़ करके अपने आप को ड्रेसअप करके भी आप कर सकते हो। एंड क्या होता है इससे कि जो लोग आपके वीडियो देखेंगे वो लोग बोलेंगे अरे ये लोग इतना सच सच के बनाते, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, पंखे वंखे बंद करके, तो ये तो बहुत हार्ड होगा एंड इनके वीडियोज़ भी इतने अमेजिंग हैं तो लाइक तो बनता है, तो वो लोग आपकी वीडियोज़ को लाइक भी करेंगे, आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, तो ये बहुत ईजी है। एंड अगर आप इस हैक को यूज़ करते हैं तो यू विल तो अगर आप ये हैक्स फॉलो करोगे, ये टिप्स फॉलो करोगे, तो आई होप कि आप यूट्यूब पे छा सकते हो इन टिप्स को फॉलो करके। सो एंड गाइस एक और कुछ बोलना था आपको, मेरी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है नवंबर से, एंड हो सकते हैं तो बीच बीच में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी, ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स आ रहे, तो बैकग्राउंड भी गिर गया यार। सो आप अगर तो आपको लाइक्स मिल सकते हैं एंड आपका एक चैनल को सब्सक्राइब भी बहुत सारे लोग कर देंगे, तो ये बेस्ट है कि अगर आप अच्छे से रेडी वेडी होके अच्छे बैकग्राउंड में अच्छे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा अपने सब्सक्राइबर्स, अपनी यूट्यूब फैम से, अपने फ्रेंड्स से। तो जब एंड मैं कह रही थी गाइस कि नवंबर से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं बीच बीच में यूट्यूब पर वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ। सो आई होप कि आप समझ सकते हो कि कितना प्रॉब्लम्स होगा। तो मैं इतना तो जरूर कह सकती हूँ कि मैं नवंबर में 1-2-3 वीडियोस कम से कम मैं डाल पाऊँगी यूट्यूब पे, क्योंकि और उसके एग्जाम्स आ रहे थे। सो या
सो या गाइज आई होप कि आप समझोगे. तो यप गाइज दैट इज़ फॉर टुडेज वीडियो. एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो मेक श्योर आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मेक श्योर कि आप मेरे सारे वीडियोस को देखो अगर आपको पसंद आई. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं फोर्स नहीं कर रही आपको. मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो. एंड मैं आपको फोर्स नहीं कर रही मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि मैं बहुत गर्मी में वीडियो बना रही हूँ. स्पेशली बहुत गर्मी है, फ़ैन भी ऑफ मैंने रखा ताकि मेरी आवाज़ फ़ोन तक जा सके. सो आई गाइस बाय, लव यू ऑल.